महीने के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ा उछाल देखा गया। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने बाजार खुलते ही नए रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू लिया। यह तेजी पिछले दिन भी देखी गई थी, जब बाजार ने नए ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया था। आज शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार ने पहली तिमाही के आर्थिक आंकड़ों से पहले ही शानदार प्रदर्शन किया। BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी दोनों ने बाजार खुलते ही तेजी दिखाई। सेंसेक्स लगभग 320 अंक की छलांग लगाकर 82,381 अंक के पार पहुंच गया, जबकि निफ्टी लगभग 95 अंक की बढ़त के साथ 25,226 अंक के पार कारोबार कर रहा है। इस तेजी के साथ निवेशकों की दौलत में 1.75 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सेंसेक्स पर ज्यादातर बड़ी शेयर फायदे में रहे, जिसमें बजाज फिनसर्व, टाइटन, HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे शेयर शामिल हैं। हालांकि IT सेक्टर के शेयरों में गिरावट देखी गई, जहां TCS, इंफोसिस, HCL, टेक और टेक महिंद्रा नुकसान में थे। इसके अलावा निफ्टी के अन्य सभी सेक्टर्स के इंडेक्स ग्रीन जोन में रहे, जिससे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी का रुझान देखा गया। BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 1.75 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 4,64,31,348.69 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो पिछले दिन 4,62,56,79.12 करोड़ रुपए था। कल के कारोबार में भी बाजार ने नए उच्च स्तर का रिकॉर्ड बनाया था। सेंसेक्स 349.5 अंक की तेजी के साथ 82,134.61 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 99.60 अंक की बढ़त लेकर 25,291.95 अंक पर बंद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो अमेरिका में GDP के डेटा के बाद बाजार का माहौल कुछ बेहतर हुआ। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.59% के फायदे में रहा, जबकि S&P 500 लगभग स्थिर और नास्डेक कंपोजिट इंडेक्स में हल्की गिरावट आई। आज भारतीय अर्थव्यवस्था के पहले तिमाही के आंकड़े जारी होने वाले हैं, और इससे पहले ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि के अनुमान को बढ़ा दिया है। मूडीज ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में 7.2% और 2025 में 6.6% की दर से बढ़ सकती है।